जा रहा है, और दुआओं में आप मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा जी। आप लोगों से गुजारिश है और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। सो हमारी लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, और हमने लास्ट क्लास में, उससे पिछली क्लास में ये पढ़ा था, आपके सामने आ रहा है फ्लो ऑफ कॉस्ट। और फ्लो ऑफ कॉस्ट में हमने बात जो डिस्कस की थी, दैट इज कि तीन एलिमेंट्स है कॉस्ट के, जो आपने ट्रेस आउट करने हैं विद इन द अकाउंट्स, और वो है मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो मटेरियल की हम बात कर रहे थे, मटेरियल की हमने 6 एंट्रीज पढ़ी थी, जो कि टेक्निकली तीन ही है, और तीन हमारी इनिशियल बेसिक एंट्रीज है, और तीन उसी की रिवर्सल एंट्रीज है। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन एंट्री इज बाइंग द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि अगर आप 50,000 का मटेरियल बाय करते हैं सप्लायर से, तो फौरी तौर पे उसको पैसे भी नहीं दे रहे, आप मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देते हैं। फिर अगर रिटर्न कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर तो आप कैश पे ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लेते ही नहीं कैश पे, आप कैश पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कैश पे लेंगे तो फिर आप अकाउंट पेबल की जगह कैश कर देंगे, सिंपल। तो इसीलिए ये कोई फर्ज नहीं है हम पे कि हमने अकाउंट पेबल पे चीज लेनी है। अमूमन ऐसा होता है, अमूमन बिजनेस साइकिल्स ऐसे ही चलते हैं। बट इफ यू आर ट्रांजैक्टिंग ऑन कैश, तो फिर आप एंट्री पास करेंगे मटेरियल टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अकल को अपने थामे रखना है, कॉमन सेंस को। नेक्स्ट, अगर आपने कोई मटेरियल वापस करना है सप्लायर को, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट ऊपर वाली ही एंट्री को रिवर्स कर देंगे उस अमाउंट से जिस अमाउंट के मटेरियल आपने वापस किया है। सिमिलरली जब वो मटेरियल एक दफा आपके पास आ गए, वो चले जाएंगे स्टोर में, स्टोर से फिर वो इशू किए जाएंगे आपको, और जैसे ही डायरेक्ट मटेरियल इशू करेगा स्टोर, उसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल अकाउंट, और उसी की रिटर्न जो है वो रिवर्सल एंट्री हो जाएगी मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, तो ये एग्जांपल मैंने दी थी 35,000 और 7,000 की, ठीक है जी। अच्छा, शाज़े मोमिना का क्वेश्चन है, कैन बी राइट परचेजेस इंस्टेड ऑफ मटेरियल, और कोई सवाल नहीं जी। चलो जी, अच्छा जी, परचेजेस बिल्कुल आप लिख सकते हैं आप, बल्कि मैंने शायद आपको थर्ड सेमेस्टर में बताया था कि आप एबीसी भी लिख सकते हैं, आप बीक्यूआर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नाम हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे, रेफर हम कर सके, हमें ये ना हो कि कंफ्यूज होना पड़े कि यार इसको किधर लिखना है किधर नहीं लिखना। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज नेम्स, क्योंकि इन्हीं नाम्स के, इन्हीं नेम्स के साथ आगे जाके आप देखेंगे कि अकाउंट्स बनते हैं, और वही नाम फिर अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मटेरियल ही क्यों लिखा, परचेज क्यों नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं लेकिन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, अकाउंट, ये अकाउंट मटेरियल अकाउंट ही है, ठीक है, इसको आप परचेजेस अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये आगे बैलेंस शीट तक जाता है, आगे हम देखेंगे इस अकाउंट को, ये बैलेंस शीट तक जाता है, तो इसीलिए बेहतर है कि हम इसको वही नाम यूज करें इसके लिए जो आगे बैलेंस शीट तक जाना है, ताकि तसलसल रहे। अच्छा, नूर का जी, सर 35,000 का और रिटर्न क्यों 7,000 है, भाई सारा थोड़ी रिटर्न किया हमने नूर फातिमा, हमने उस 35 में से 7 वापस कर दिया, ठीक है, ये तो डिपेंड करता है आपने रिटर्न कितना किया। जिस तरह इधर देखें जरा आप, इधर आपने 50,000 का टोटल माल लिया, 10,000 का उसमें से खराब निकला या व्हाटएवर द रीजन इज, आपने वापस कर दिया, ये लिया नहीं, ये मैं स्टोर से इशू हुआ, नया नहीं खरीदा, ये मैं आपको बता दूं, स्टोर से 35 का इशू किया, 7,000 की जरूरत नहीं पड़ी, आपने वापस कर दिया,
ये नीचे वाली जो अमाउंट है ये वो पोर्शन है जो आपने वापस किया, एंड ये सारे का सारा नहीं होता। अच्छा फिर जी यूज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल आखिरी एंट्री थी हमारी, और अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं उसकी एंट्री FOH2 मटेरियल अकाउंट होगी, और रिटर्न जो है उसका वो इनडायरेक्ट मटेरियल टू वो मटेरियल टू FOH होगा। तो ये 6 एंट्रीज आपके सामने हैं बेटा, एक दफा इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता से इनको आपके सामने से गुजार रहा हूँ, आप इनको देख लें अच्छी तरह। एक एक मिनट में एक स्लाइड को दे रहा हूँ, आप लोग देखें समझें, कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो देखें शाबाश, कोई सवाल है तो अभी पूछ ले शाबाश। ये जी अब दूसरी स्लाइड है, एक दफा आपके पास आ गया, अब आपने स्टोर से इशू करना, इसको भी देखें जी अच्छी तरह। और ये है जी इनडायरेक्ट मटेरियल की स्लाइड, सॉरी इसको भी देख लें अच्छी तरह। जी सो दीज वर जी क्वेश्चन आए जी दो, बल्कि एक आया है उसामा, सवाल करते हैं सर इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है। वेरी गुड क्वेश्चन उसामा, मैं अगर आपके पास होता ना तो मैं आप हम माथा चूमता इस बात पे। वेरी गुड, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है जी, चले जी वेरी गुड। मैं दोबारा बताया तो वही बात है कि फिर वापिस हम आ गए पहले लेक्चर पे। इनडायरेक्ट मटेरियल भाई वो मटेरियल होता है जो कि एक यूनिट तक ट्रेस ना किया जा सके उसकी कॉस्ट, यानी जिसको आपने बड़े आसान अल्फाज में आप ये समझने के लिए बना लेते कि जो डायरेक्टली इस्तेमाल हो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो जी वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो मिसाल मैं इसकी बेटा दोबारा दे देता हूं, ये मैंने मार्कर की मिसाल दी थी, इस मार्कर पे जो प्लास्टिक लगा है मुझे पता है कि 100 ग्राम लगा है और 100 ग्राम प्लास्टिक की ये कीमत है, तो मैं बता सकता हूं या ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर, ये स्प्रिंग मुझे पता है जी मैंने बाजार से एक स्प्रिंग इतने का लिया, तो ये वो मटीरियल है डायरेक्ट मटीरियल जिसकी मैं कॉस्ट बता सकता हूँ कि एक को कितनी लगी है। बट ये जो पेंट हुआ है ब्लू, ये पेंट मैंने लिया ड्रमों के हिसाब से, अब वो ड्रम मैंने इतने का लिया, मैं ये नहीं बता सकता कि उसमें से एक मार्कर एक पेन पे कितने रुपए का पेंट लगा, हो सकता है एक में कम लगा हो एक में ज्यादा लगा हो, बट आई कैनॉट टेल दिस, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो ये इनडायरेक्ट मटीरियल है, तो ऐसी चीजें जो के बल्क में हो और उनकी कॉस्ट एक तक
ना डिस्ट्रीब्यूट की जा सके उनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर एक सवाल है सदाम का। सर मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था कि वर्क इन प्रोसेस को डेबिट क्यों किया, आपने कहा कि कोई चीज आई है इसलिए डेबिट किया है हमारे पास। जी बेटा जी, देखिए ना, एक हमारे पास खाली मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, और जब आप वो मटेरियल लेते हैं, आप एंट्री पास करते हैं, मटेरियल डेबिट, क्योंकि हमारे पास वो खाली मटेरियल आ गया जिसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आया है मटेरियल और साथ कैश अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब ये मटेरियल निकल गया और आगे चला गया, तो जब ये मटेरियल निकला तो हमारे पास है, तो ये मटेरियल चला गया तो इस मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे, साथ ही साथ जो ये आगे गया है वो सारा मटेरियल अब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की सूरत में नया बन गया, ठीक है, उसी को हमने बेसिकली ट्रांसफर कर दिया एक बेहतर फॉर्म में, क्योंकि पहले रॉ मटेरियल था, अब उसको हमने बेहतर फॉर्म में यानी वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। तो इसीलिए अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें जो मैंने आपको डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था, तो हमारे पास एक नई फॉर्म ऑफ मटेरियल, मटेरियल वही है लेकिन उसके ऊपर काम शाम हो चुका है, थोड़े और पैसे लग चुके हैं, बेहतर फॉर्म में मटेरियल आ गया और दूसरी फॉर्म वाला मटेरियल हमारे से चला गया। अच्छा जी, कामरान कह रहा है सर रिज्यूम करेंगे उसामा पास ही है ना यार, अस्तगफिरुल्लाह। अक्सा का सवाल है सर, 5 नंबर एंट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए FOH क्यों लिखा? बेटा FOH फैक्ट्री ओवरहेड का ही नाम है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड वो कॉलम है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसको यूज करते हैं, वो हेड है जिसमें फैक्ट्री के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, यहाँ पे फैक्ट्री के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। ये एक याद करने वाली चीज है कि नाम क्या जी, FOH, क्यों मेरे पास FOH है, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आपने याद रखना है कि फैक्ट्री की तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप FOH कहते हैं और उसके लिए एक अकाउंट बनता है FOH का अकाउंट। ये इंशाल्लाह हमने आगे अकाउंट ये CGS जब निकालेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, अभी फिलहाल आपके लिए याद करना ही काफी है। अलीना का सवाल है, इनडायरेक्ट में FOH क्यों डेबिट है? वेरी गुड जी। अच्छा मुझे वैसे शायद मैंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन ये तो पता चल गया डायरेक्ट में वर्क इन प्रोसेस है, इधर है कि FOH क्यों है। अब एक और आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी दूसरे सेमेस्टर की, आप लोगों ने याद है ये पढ़ा है कि एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है, याद है आप सबको? तो बेटा FOH इन दैट रिगार्ड्स इज एन एक्सपेंस, FOH इज एन एक्सपेंस, ठीक है, तो एक्सपेंस जो है याद रखिएगा वो डेबिट होता है, दूसरे सेमेस्टर की बात है। अच्छा फिर कायनात का सवाल है, 6 एंट्री द्वारा बता दे। बेटा 5 की रिवर्सल है 6, आपने फॉर एग्जांपल ये पेन बनाने के लिए जो पेंट इशू करवाया फैक्ट्री से, ठीक है जी, और उसमें से 1000 रुपए का पेंट आपने वापस कर दिया, मिसाल के तौर पे, ठीक है, 1000 का पेंट वापस कर दिया, तो वो है 6 एंट्री, वो है एंट्री नंबर 6, स्टोर से जो इनडायरेक्ट मटेरियल निकलवाया वो वापस कर दिया। चले जी, और कोई सवाल बेटा? हाल काफी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं जी, अगला स्टेप। अब आप लोग 2-3 मिनट अपने सवाल जरा होल्ड करें। अगला स्टेप जी, आपने एक दफा मटेरियल को रिकॉर्ड कर लिया, अब अकाउंटिंग का अगला रूल है रिकॉर्डिंग के बाद समराइज करना, ठीक है, ख्वाब वो कॉस्ट हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग के बाद इसको समराइज करते हैं। तो समराइज करने के लिए हम बनाएंगे अकाउंट, ये तमाम एंट्रीज को हम एक ही हेडिंग में एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं,
और उससे पहले जी एक मिनट, अली हुसैन का सवाल है, एक मिनट जी। अली हुसैन पूछे बेटा। जी अली, वाह यार, अच्छा चले, ये आपके सामने अकाउंट है। अब ये अकाउंट कैसे बना, यहाँ पे आप सबने ना कोई 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स होके बिल्कुल लेटे लेटे इसी तरह तवज्जो देनी है, दिमाग खोल के। ये मैं आपको बारी बारी बताऊंगा ये एंट्रीज आपने कैसे की। दो के आपने दूसरे सेमेस्टर में बड़े डिटेल में एंट्रीज करनी सीखी होंगी, बट मैं आपको फिर से बता दूं। देखें जी, पहली एंट्री है मटेरियल टू अकाउंट्स पेबल। तो मटेरियल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट किस नाम से हुआ या किसकी वजह से हुआ, अकाउंट्स पेबल। याद रखिएगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट हुआ, किसके नाम से हुआ या किसकी वजह से हुआ, अकाउंट्स पेबल की वजह से। और कितनी अमाउंट से हुआ, 50,000 से। कितनी अमाउंट से हुआ, 50,000 से। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड जब करेंगे तो चले जी मटेरियल अकाउंट में देखें, अकाउंट्स पेबल 50,000 डेबिट, मटेरियल अकाउंट 50,000 से डेबिट हुआ, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें। और किसकी वजह से हुआ, अकाउंट्स पेबल की वजह से। तो ये पहली एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली, जिसमें मटेरियल को आपने डेबिट किया, ये अकाउंट में आपने डेबिट साइड पे लिखा 50,000, किस नाम से, अकाउंट्स पेबल के नाम से। तो ये है पहली एंट्री, ठीक है जी। जहां पे समझ ना लगे वहां पे बीच में बता दीजिएगा। अच्छा, फिर एक और बात कि बैलेंस बीडी क्या है, ये भी आप सबको बेटा पता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब है कि पिछले साल के एंड पे कुछ मटेरियल हो सकता है बच गया हो, कुछ रॉ मटेरियल टोटल बच गया होगा। अब वो ही मटेरियल जो बच गया है वो इस साल का ओपनिंग बन जाता है, उसी से काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये बैलेंस बीडी पिछले साल का क्लोजिंग है, ठीक है जी। ये भी बेसिक सी बात आप सबको पता ही थी। तो बैलेंस बीडी जी 10,000 है, फॉर एग्जांपल पिछले साल का मटेरियल 10,000 का बचा है, इस साल आपने मजीद कितना खरीदा, 50,000 का। तो अभी तक हमारी डेबिट साइड पे 60,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में आपने वही मटेरियल जो ऊपर खरीदा 50,000 का, उसमें से 10,000 का वापस कर दिया। एंट्री क्या हुई, अकाउंट्स पेबल टू मटेरियल अकाउंट, किस अमाउंट से, 10,000 से। तो मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हुआ कितनी अमाउंट से, 10,000 की अमाउंट से, और किसकी वजह से, अकाउंट्स पेबल की वजह से। तो चले जी मटेरियल अकाउंट में देखें, क्रेडिट साइड पे आपको लिखा नजर आ रहा है 10,000, और किसकी वजह से, अकाउंट्स पेबल की वजह से, ठीक है जी। तो वो दूसरी एंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर ली। देखें, एक साइड पे 50,000 डेबिट किया था, अब उसको वापस किया तो 10,000 क्रेडिट कर लिया। तीसरी एंट्री, वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल अकाउंट। तो मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, वर्क इन प्रोसेस की वजह से। कितनी अमाउंट से, 35,000 की अमाउंट से। तो चले जी अकाउंट देखते हैं, क्रेडिट साइड पे देखें जी, वर्क इन प्रोसेस WIP 35,000 से मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हुआ वर्क इन प्रोसेस के नाम से। चौथी एंट्री की तरफ आए, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। ये ऊपर वाली ही एंट्री का रिवर्सल हो गया, तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 7,000 से। तो मटेरियल अकाउंट में डेबिट साइड पे आप देखें, वर्क इन प्रोसेस के नाम से
डेबिट हो गया 7,000। क्लियर जी। फिर पांचवी एंट्री इनडायरेक्ट मटेरियल का इशू, एफओएच डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। किस नाम से मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हुआ? एफओएच की वजह से। और कितनी अमाउंट से? 5,000 की अमाउंट से। चले जी ये देखिए, 5,000 से मटेरियल अकाउंट आपको क्रेडिट साइड पे लिखा नजर आ रहा है एफओएच की वजह से। ओके, फाइनली छठी एंट्री, मटेरियल अकाउंट रिवर्सल हुई तो डेबिट हो गया, एफओएच क्रेडिट हो गया। तो मटेरियल अकाउंट डेबिट हुआ है इसकी वजह से, एफओएच की वजह से, इस अमाउंट से 1,000 से। चले जी ये डेबिट साइड पे आप देखें, एफओएच 1,000 से डेबिट हुआ है एफओएच की वजह से। तो बेटा इस तरह से आपने इन एंट्रीज को लेजर अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड या समराइज कर लिया। तमाम की तमाम एंट्रीज एक छत के नीचे, एक अकाउंट की छत के नीचे समराइज हो गए। अच्छा हाँ जी, सवाल आया जी एक, ये सदाम कह रहा है लेजर है, बिल्कुल बेटा यही लेजर अकाउंट है। और रुमैसा का सवाल है बैलेंस सीडी, ये तो भी मैं आपको बताता हूँ, यही बताने लगा हूं कि बैलेंस सीडी या फिर क्या है जी। आप क्या करना है, जस्ट लाइक ऑल अदर अकाउंट्स, एक अच्छे अकाउंटिंग स्टूडेंट के नाते आपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना है, इक्वल होते हैं। तो आपने डेबिट साइड जब बैलेंस की तो वो बनी 68,000 टोटल, लेकिन जब आपने क्रेडिट साइड बैलेंस की, फिलहाल बैलेंस सीडी को निकाल दें क्योंकि ये तो आपने खुद लिखा है, और जब आपने क्रेडिट साइड बैलेंस की तो वो बनी 50,000। इस तरह अकाउंट्स पेबल 10,000, वर्क इन प्रोसेस 35 और एफओएच 5, तो ये बनता है 50। तो भाई डेबिट साइड 68 थी, क्रेडिट साइड 50,000 थी। अच्छे अकाउंटिंग स्टूडेंट्स की तरह आपने क्या किया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया 18,000 ताकि दोनों बैलेंस आउट हो जाए। दोनों को बैलेंस करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 18,000। अब डेबिट भी 68 हो गया, क्रेडिट भी 68 हो गया हमारे ये 18,000 लिखने की वजह से। तो ये दोनों को 68,000 कर दिया। फिर सवाल ये पैदा होता है, सर ये हमने लिख तो दिया लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या हम इसको बस लिख के छोड़ देंगे? 18,000 आखिर है क्या, कोई इसकी वैल्यू होगी, कोई पीछे बैक एंड पे कोई चीज तो होगी, 18,000 कहां से आया जी? तो बेटा ये 18,000 आपका इस साल का या पीरियड का क्लोजिंग मटेरियल है, यानी आपके पास स्टोर में इस टाइम 18,000 मालियत का मटेरियल होना चाहिए। अकाउंटिंग के एतबार से, आपकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास स्टोर में 18,000 का मटेरियल इस टाइम बचा हुआ होना चाहिए। और कौन सा मटेरियल? ठीक है जी, टोटल मटेरियल, ये बात भी याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की हम बात करें। टोटल हमारे पास इस टाइम मटेरियल 18,000 रुपए का होना चाहिए, रॉ मटेरियल। तो अब आपने क्या करना है, ये 18,000 का फिगर कैलकुलेट करने के बाद स्टोर का एक चक्कर लगाएं जरा, और स्टोर में इस चीज को वेरीफाई करें कि क्या हमारे पास 18,000 का ही मटेरियल मौजूद है। अगर आपके पास 18,000 का मटेरियल मौजूद है तो इसका मतलब है आपकी स्टोरेज भी अच्छी है और आपकी अकाउंटिंग भी अच्छी है। लेकिन
अगर आपके पास बिलफर्ज 18,000 का मटेरियल ना हुआ, 15,000 का हो गया, 10,000 का हो गया, तो अब आपको तफ्तीश करनी है कि नंबर वन, या तो ये मटेरियल थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इस चीज का फोरेंसिक ऑडिट करें जी, या तो हमारी अकाउंटिंग में कोई गलती हुई है, वापस आके देखें, क्या पता कोई एक ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी मिस कर दी हो। तो ये बेसिकली रिकंसाइल करना है आपने इस बैलेंस को, स्टोर में जाके फिजिकली भी देख सकते हैं, प्लस स्टोर भी अपना एक अकाउंट बना रहा होता है, ठीक है। ये देखें बेटा, समझे इस बात को, एक अकाउंट स्टोर बना रहा है, इतना आया, इतना गया, इतना आया, अब हमारे पास इतना होना चाहिए। इसी तरह एक अकाउंट आप बना रहे हैं, ये मटेरियल अकाउंट, तो ये दोनों अकाउंट्स को टैली होना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए। अगर ये रिकंसाइल नहीं कर रहे तो इस चीज की तफ्तीश करें कि आपने गलती की, स्टोर ने गलती की, चोरी हुई, लॉस हुआ, क्या हुआ। तो यहां पे आपने इस चीज को जहन में रखना है। चलो जी, मैं सवाल ले लूं, फिर माइंड अप करते हैं लेक्चर को। हाँ जी, सदाम का सवाल है, बैलेंस बीडी कहां से लिया आपने? पीछे तो उन्होंने कह दिया कि आपने अपने पास से लिया। हाँ जी बेटा, मैंने बिल्कुल ये अज्यूम किया है कि पिछले साल इतना मटेरियल बच गया। आगे हम बुक का सवाल जब करेंगे, आज तो टाइम नहीं, इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को करेंगे। तो फ्राइडे को बेटा आप सब अपनी बुक्स ना अपने पास रखिएगा प्लीज। आई होप आप सब ने ले लिया होगी, अगर नहीं ली तो बाहर जाए, सारी स्टेशनरी की दुकानें खुल गई है। बिल्कुल, मैंने कन्फर्म भी कर लिया जी, गुजरावाला में खुल गई है सारी स्टेशनरी की दुकानें। तो ये सुहेल अफजल साहब की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, सुहेल अफजल और डॉक्टर हाफिज जफर की, जफर अहमद साहब की, तो ये बुक आप लोगों ने ले लेनी है। अच्छा, फिर एक सवाल है, सदाम का, सर ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी हो जाएगा? बिल्कुल शाबाश, यही अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। मोहम्मद हारिस का सवाल है, सर अगर डिफरेंस आए बैलेंस में और जो स्टोर में, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं कि नहीं? यार ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये सवाल कर लिया, इसका मैं जब भी जवाब देता हूँ। हाँ जी, दूसरी क्लास हमारी थर्सडे को इंशाल्लाह ताला 2 बजे, ठीक है जी। नहीं, सियालकोट में भी खुल गई है, झूठ, अलीपुर से यार तुम थोड़ी देर बाहर निकलो, गुजरावाला आ जाएगा। अच्छा, नूर फातिमा का सवाल है, सर डेबिट में से अगर क्रेडिट को लेस करें तो 18,000 आता है। हाँ जी बिल्कुल, तो वही 18,000 हम क्रेडिट के अंदर डाल देंगे ना, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। मटेरियल अकाउंट का लेजर अकाउंट बनता है अकाउंट पेबल का अलग से? हाँ जी, अकाउंट पेबल का अलग से बनेगा, वर्क इन प्रोसेस का अलग से बनेगा, FOH का अलग से बनेगा। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि हर नाम का लहदा से अकाउंट बनता है, ठीक है। वो हमारा फिलहाल हेडेक नहीं है, कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है फिलहाल मटेरियल अकाउंट, तो इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट अलग बन रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद आरिफ का सवाल सस्पेंस अकाउंट का, जी बड़ा अच्छा, ये मैं पूछ लेता हूँ। यार कोई बात नहीं, इल्म के लिए डंडे खा लो, और दूसरी बात ये कि आप उन्हें कहना मैं किताब लेने जा रहा हूँ, मेरी बात करवा देना उनसे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सो आरिस का सवाल सस्पेंस अकाउंट का, भाइयों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना, ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सस्पेंस बनाया हुआ है। हम लोग जिधर भी बैलेंस नहीं होता ना, या तो हमें सिखाया जाता है, ये मुझे नहीं पता, शायद टीचर सिखाते हो कि बेटा बैलेंस ना हो तो सस्पेंस अकाउंट बनाना, यानी हमें नहीं पता, हम सस्पेंस में ही रहे हैं कि ये बैलेंस कहाँ से आया। भाई सस्पेंस अकाउंट सिर्फ पेपर की हद तक बनाया जाता है, असल में नहीं बनाते हम इस तरह से। वो जो रूल्स है सस्पेंस अकाउंट के वो लहदा, लेकिन इस वजह से सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना कि बैलेंस नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों भाई, आपने अगर बैलेंस नहीं आ रहा, इसकी तहकीक करनी है ये क्यों नहीं आ रहा। तो बैलेंस करने का मकसद क्या है?
मकसद ही है कि देखें कि क्या हमारी अकाउंटिंग में गलती है, हमारी स्टोरेज में गलती है, रिकॉर्डिंग में गलती है, किधर गलती है। तो जब गलती पता चल जाए तो ये नहीं कि मिट्टी पाओ वाली बात, कि गलती होगी कोई बात नहीं मिट्टी पाओ, ये तो सस्पेंस अकाउंट मिट्टी पाने वाली बात है कि मिट्टी पाओ और आगे चलो ना। आपने दोबारा देखना है अपने अकाउंट्स को और अपनी गलती तलाश करनी है कि वेयर इज द मिस्टेक, और फिर उसको रेक्टिफाई करके सही डेबिट क्रेडिट को बैलेंस आउट करके लिखना है। ये सस्पेंस अकाउंट रियल में उस तरह से नहीं बनता जिस तरह आप बना देते हो। अच्छा चले जी, ये आज का लेक्चर था, आज भी ज्यादा तो नहीं हो सकी पढ़ाई, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि हम ज्यादा स्पीड पकड़ेंगे। आप लोग यार क्लास जरा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, 7-8 मिनट जो है इस वजह से जाया हो जाते हैं। तो ये बुक बेटा, ये उसका एक मैंने आपको बताया था, इसका एक और वर्जन भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद आपको ये मिल जाए। ये देखा जी, ये भी एक इसका वर्जन है लेटेस्ट, और भी हो सकता है लेकिन ये बुक आप नाम देख लें, सुहेल अफजल एंड डॉक्टर जफर अहमद, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, ये ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हमने इससे सवाल करने हैं, और अगर आपके पास नहीं होगी तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं नेक्स्ट लेक्चर का। अगर किसी के पास नहीं है, मैं इसका एक हल बताता हूँ, जिसके पास बुक है वो सवाल